उसकी यह हिम्मत, अभी देखता हूं। आओ मेरे साथ। तू कौन होता है मेरे घर से किसी को निकालने वाला? साहब, घर तो मंदिर के समान होता है, हम तो खाली कचरा बाहर निकाला है। शट अप। साहब, हम पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर एक नजर में भांप गए कि यहाँ का खेल चल रहा है। आप इन दो कौड़ी की बारी औरतों के लिए अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। का? मत। गांव का जाहिल हमें भाषण दे रहा है। ए साहब, हम गांव के जरूर है मगर जाहिल नहीं है। जाहिल है आप सही लोग जो अपनी देवी समान पत्नी को नहीं पहचानते, माथे पर चंदन का टीका लगाने के बजाय रात की धूल लेकर अपने मुंह पे लगाते हैं। गेट आउट, निकल यहाँ से, नहीं तो अभी अपने आदमियों को बोल के धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। आप क्या धक्के मारेंगे? धक्के तो आपको लगने वाले हैं तकदीर के। जो इंसान संसार में अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। एक दिन आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे, रहेंगे तड़पेंगे, तब मेरी बात याद करेंगे। आप याद करेंगे मेरी बात का? चलो। मैम साहब, आपका टेलीग्राम। जोर जोर से रो क्यों रही है? कौन मर गया तेरा? पिताजी का देहांत हो गया। तो मैं क्या करूं? मैं उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकता। मरने के पहले उनके दर्शन नहीं कर सकी, चलिए उनके अंतिम दर्शन तो कर ले। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। आज हमारी बहन का जन्मदिन है, हम लोग इका वास्ते तोहफा लेने जा रहे थे, तो कभी यही वक्त मिला मनहूस खबर देने के वास्ते? देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रही हूँ, वो भी सिर्फ इतना कि अपने समय में से मुझे कुछ पल दीजिए, मेरे साथ चल के उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने तुम्हारे बाप की शांति का ठेका नहीं ले रखा, मुझे अपनी शांति चाहिए, अपनी। जुड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे साथ चलिए, भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। अरे हट जा। अरे बुढ़ा आदमी था, मर गवा तो क्या हुआ, लोग तरस खा के माचिस लगाए देंगे, है ना? चलो। साहब, आपके शरीर में दिल है या पत्थर? जैसा व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप इंसान है या हैवान? खबरदार जो हम पति पत्नी के बीच बोला। दोनों मिलकर का नाटक करे है सती सावित्री का। अरे ये थप्पड़ तो सिर्फ दिखावे के वास्ते है, पति की आत्मा धूल झोंकने के लिए। बहनोई जी, हम आपका आज तक नहीं बताए इस वास्ते कि आपका दिल न दुखे, पर आज बताए देते हैं। इसका शादी से पहले चक्कर रहा इस मुस्टंडे के साथ। ये झूठ है। झूठ? अरे सारा गांव जानत है, शादी से पहले ईका साहब गांव में गाने गाती थी, मौज उड़ाती थी तंबू उखाड़ के, और अब जब शादी हुई गई तो ईका भी साथ ले आई। ओह, इसीलिए मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहती थी, ताकि ताकि अपने प्रेमी के साथ रातें गुजार सको। ये सरासर झूठ है। कलंक नहीं, मुझे बेवकूफ बनाती रही। हाँ, मुझसे कहती रही कि मैं गलत काम करता हूँ। तूने एक देवी जैसी औरत पर अत्याचार किया है कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ?
हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। शुक्र कर मेम साहब का, जिनकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार देता। जलील कुत्ते, जान से तो मैं मारूंगा तुझे। मेरा ही नमक खाता रहा, मुझसे ही नमक हरामी, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ और सच तू क्या जानेगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ ये सच है कि मैं मेम साहब को चाहता था, जो कि शायद मेम साहब खुद भी नहीं जानती। मगर ये भी सच है कि जब से मुझे मालूम हुआ कि मेम साहब की शादी तुझसे हुई है, तब से मैंने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। हमेशा एक देवी की तरह पूजा है उन्हें। मगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना है। बंद करो ये रोना धोना। अरे तुझसे तो ये रंडी अच्छी है, हा? जो अपना पेशा करके इसका इकरार तो करती है। तू तो इससे भी गई गुजरी है, औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है तू। मैं ये दाग मिटा डालूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। वो जमाना गया पत्नी को जिंदा जलाने का। तुम मर्द लोग क्या समझते हो अपने आप को? तुम जानते हो पति किसे कहते हैं? पति पत्नी का संबंध तो आत्माओं का मेल है, एक दूसरे को समझने का, परखने का, विश्वास का एक नाजुक रिश्ता है। पति वो है जो पत्नी की रक्षा करे, उसकी इज्जत करे, उसके प्यार का जवाब प्यार से दे। वो आदमी जो पत्नी को सिर्फ बेडरूम का एक खिलौना समझे, उसके सामने बेडरूम को लाकर घर में रखे और उनके सामने पत्नी की बेइज्जती करे, ऐसे आदमी को पति नहीं कहते। मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। आज सब कुछ सुनना पड़ेगा। आज तक मैंने तुम्हारा हर जुल्म सहा, हमेशा चुप रही, उफ तक नहीं की। तुम्हारी खातिर कितनी बार तुम्हारे देवता समान पिता से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए रुपए लाई, मगर आज तुमने मेरे पतिव्रता धर्म पे शक किया। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अरे तीन पत्तों की खातिर तुमने अपनी होने वाली पत्नी को बेच दिया। तुम्हारा बस चलता तो एक दिन शायद मुझे भी बेच देते, तुम्हारी माँ बहन होती तो उन्हें भी बेच देते। चिल्ला मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पति अगर पत्नी को उसका हक नहीं दे सकता तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम क्या समझते हो, एक चुटकी भर सिंदूर और दो रुपए का धागा लाकर तुमने औरत को जिंदगी भर के लिए गाय भैंस की तरह बांध कर रख दिया। ये लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी तू कहाँ जा रही है? इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा, ये नालायक बच्चलन आदमी। डैड ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बेटी तुझ पे जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बुरा है, मगर मैंने सोचा कि तुझ जैसी देवी अगर उसको मिल गई तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरे बाप से मांग लाया, मगर सुधरना इसकी किस्मत में थोड़ी था। बेटी एक मंगलसूत्र एक औरत को पत्नी तो बना सकता है, मगर एक जानवर जैसे मर्द को पति नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों से, मैं सोच लूंगा कि मेरा बेटा कोई नहीं था।
मिस्टर राकेश, स्मगलिंग के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। जसवंत राय जी, ये आपका बेटा है? डीएसपी साहब, बेटा वो होता है जो कि बाप की इज्जत को बढ़ाए, वो नहीं जो कि बाप की नाक कटवाए। आप अपना काम कीजिए, ले चलो इसे। डैड, चलो। खिसक लो जी जी। बेटे गोपाल, गंगवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और बेटी मैं तुझे बहू बनाकर लाया था, आज से तू मेरी बेटी है।